हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फूड फिटनेस एंड फन। हमने आपको पूरा बताने की कोशिश की है कि पीसीओएस पीसीओडी क्या है और क्यों होता है। अब हम उसके लिए डाइट प्लान आपके लिए लेके आए हैं। और ये डाइट प्लान जो है, ये इसका कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है कि आपने 15 दिन के लिए चाहिए या महीने के लिए चाहिए। ये एक बहुत ही सिंपल सा डाइट प्लान है, हेल्दी है, इसमें कोई क्रैश कोर्स नहीं है। तो आप इसको जितना लंबा चाहें उतने तक इसको अपना सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल में इसको शामिल कर सकते हैं और ये हर हालत में आपके लिए फायदेमंद ही साबित। तो चलिए इसका एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि आपके इसके लिए नियम क्या हैं और कैसे इसको फॉलो करना है। एक छोटा सा रिकैप बताने के लिए कि आपको कौन कौन से टिप्स फॉलो करने हैं। 5 से 6 मील दिन में खाइए, छोटे छोटे पोर्शन में लेकिन फ्रीक्वेंटली। होल ग्रेन्स खाएं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो, जिसका फाइबर ज्यादा हो, जिसके अंदर मोर फिलिंग होगा और इंसुलिन जो एक बड़ी प्रॉब्लम होती है पीसीओएस पीसीओ के अंदर, उसे कंट्रोल में रखेगा। होल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं, ट्राई करें फ्रेश और ऑर्गेनिक खाएं। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, फ्रोजन, रेडी टू ईट जो पैकेट्स में आते हैं फटाफट घोल के बनाएं और खाएं, वो अवॉइड करें। सॉफ्ट ड्रिंक्स, किसी भी तरह की स्वीट्स, चाहे वो बेकरी के हों, बिस्किट्स हों, स्टोर से लिए हुए नमकीन, आइसक्रीम, इन्हें भी अवॉइड करें, याद क्या रखें। एक्सरसाइज जरूर करें, जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी वाले एक्सरसाइज करें, लेकिन रेगुलर और कंसिस्टेंसी बनाए रखना बहुत जरूरी है। 30 से 40 मिनट डेडिकेटेड आप वॉक कर सकते हैं या फिर योगा। योगा के बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो आपको पीसीओएस पीसीओएस में काफी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइट प्लान से। डे स्टार्टर, अपना आप दिन स्टार्ट करें एक मोरिंगा के जूस के साथ। इसके लिए आप फ्रेश पत्तियों की यूज कर सकते हैं या फिर आप पाउडर फॉर्म में ड्राई करके यानी पत्तियों को उसे यूज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसे ड्रमस्टिक भी कहा जाता है, हिंदी में सहजन कहा जाता है। इसके अलावा सेकेंड ऑप्शन है आप मेथी यानी फेनुग्रीक का वाटर पी सकते हैं, सिनेमन ले सकते हैं। इसके बेनिफिट्स और डिटेल में इसकी रेसिपी भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, हम लिंक शेयर कर देंगे। इसके बाद सेकंड जो आपको लेना है वो है 20 मिनट के अंदर एक सर्विंग फ्रेश फ्रूट की या सीजनल फ्रूट की। आप बनाना, मेलन, एप्पल, पपाया ले सकते हैं, आप पीयर ले सकते हैं, बेरीज ले सकते हैं। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो इसे ले। अगर आपको जल्दी है मॉर्निंग में और आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप सीधा ब्रेकफास्ट की तरफ मूव करें, लेकिन अगर आप वर्कआउट के लिए जा रहे हैं तो आप जरूर कुछ ना कुछ खाएं ताकि आप में एनर्जी बनी रहे। इसके अलावा ब्रेकफास्ट में होल ग्रेन्स लें, जैसे हमने कहा आप ओट्स ले सकते हैं, बार्ले ले सकते हैं, रागी जिसे फिंगर मिलेट कहा जाता है बहुत ही हेल्दी है, रेड पोहा, किनुआ, एमरेंथ, ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी हैं। और कोशिश करें कि ये कम से कम प्रोसेस्ड फॉर्म में लें, यानी ब्रोकन लें या स्टील कट ओट्स लें। आप इनका पॉरेज बना सकते हैं, दलिया बना सकते हैं, इडली, डोसा फर्मेंट करके आप इन्हें बना सकते हैं, चिल्ला, आप इनकी रोटी भी बनाकर खा सकते हैं ढोकले के फॉर्म में। आप ब्रेकफास्ट में एग, स्प्राउट से योगर्ट यानी दही ले सकते हैं और हेल्दी फैट में ऑलिव ऑयल देसी ही प्रिपरेशन के लिए यूज करें। इसके बाद 2 घंटे के बाद मिड मॉर्निंग स्नैक्स में आप या तो फ्रेश फ्रूट ले सकते हैं अगर आपने मॉर्निंग में नहीं लिया, या तो फिर मखाना। मखाना यानी लोटस सीड्स जो होते हैं वो हार्मोनल बैलेंस को बनाने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। इसके अलावा आप रोस्टेड आलमंड सीड्स, स्प्राउट, चना, मिक्स सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, रोस्टेड पीनट्स या पोहा का चिवड़ा ले सकते हैं, ये भी आपके लिए हेल्दी होगा। लंच जो है वो कोशिश करें 12:30-1 तक आप खत्म कर दें। इसमें आप दालें ले सकते हैं, राजमा, छोले, ब्राउन राइस के साथ हेल्दी रोटी, हमने काफी हेल्दी रोटीज की वैसे शेयर की हुई है, आप उसे ले सकते हैं, ज्वार यानी सोर्गम ले सकते हैं, सैलेड, रोल, खिचड़ी, दलिया। लेकिन ध्यान रखें कि आप अपनी मील के साथ सैलेड एक एज ए साइड ना खाएं, आप उसे सेपरेट रखें, या सिर्फ सैलेड खाएं या मील खाएं। 40 से 45 मिनट के अंदर आप इसके बाद डिटॉक्स टी ले सकते हैं। फ्रूट आपको इस मील में इंक्लूड नहीं करना है, बाद में या बीच में। इसके बाद
डेढ़ घंटे के इंटरवल के बाद अगर आपको सैलेड लेना है तो आप अपना सैलेड ले सकते हैं। इसमें आप वेजिटेबल सैलेड ले सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, क्यूकम्बर खा सकते हैं, नहीं तो फ्रूट। आपको दिन में 2 सर्विंग फ्रूट्स की लेनी है और 2 से 3 सर्विंग रॉ वेजिटेबल्स की लेनी है। तो आप जब जब आपको आपको टाइम मिले, जैसे जैसे आपकी अवेलेबिलिटी हो खाने की, आप फ्रूट और वेजिटेबल अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। इसके बाद बारी आती है इवनिंग की, इवनिंग स्नैक या प्री वर्कआउट। अगर आप शाम को वर्कआउट करते हैं तो यहाँ पर आप फ्रूट ले सकते हैं, आप एनर्जी बार ले सकते हैं, प्रोटीन बार, रेसिपीज हमने बहुत सारी शेयर की हुई है, या फिर आप होममेड स्नैक लें, बाजार के बनाए हुए नहीं, घर के बनाए हुए बिस्किट्स खा सकते हैं आप, डाइट नमकीन, बहुत सारी तरह की नमकीन की रेसिपीज हमने शेयर की है, आप क्रैकर्स खा सकते हैं सीड्स के बने हुए या फिर किसी और इंग्रीडियंट के बने हुए, और होममेड कुकीज आप ले सकते हैं। इस ये जो आपका मील है इसे स्किप ना करें, वरना आप रात तक काफी ज्यादा भूखा फील करेंगे और ओवर ईटिंग के चांसेस हैं। पोस्ट वर्कआउट या तो आप वे प्रोटीन ले सकते हैं अगर आप ले रहे हैं, नहीं तो कोई भी घर का बना हुआ प्रोटीन शेक ले सकते हैं, इसकी भी हमने रेसिपी शेयर की हुई है, लिंक हम आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। कोशिश करें कि 6 बजे तक आप इसे फिनिश कर दें, यानी आपका जो वर्कआउट है वो पोस्ट सनसेट ना हो, क्योंकि इससे आपकी स्लीप में डिस्टर्बेंस हो सकता है, और अगर स्लीप में डिस्टर्बेंस होगा तो पीसीओएस पीसीओडी की रिकवरी में आपको देर लगेगी। डिनर 7:30 रात के तब तक फिनिश कर लें, या फिर सोने से 2.5 घंटे पहले। होल ग्रेन, यहाँ पर मैंने कुछ दिनों पहले रेसिपी शेयर की थी 6 डिनर की, हेल्दी सारी होल ग्रेन से बनी हुई थी। खिचड़ी, पनीर ले सकते हैं आप, टोफू यानी सोयाबीन का पनीर, आप सोया चंक्स की सब्जी ले सकते हैं एक चपाती के साथ, स्प्राउट्स की सब्जी, स्प्राउट्स की दाल बहुत हेल्दी बनती है वो ले सकते हैं। ये सारे ही काफी हेल्दी ऑप्शन है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इसे सिर्फ एज इट इज खाएं। सैलेड के लिए आप इसमें सैलेड इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपकी कैलोरी इनटेक को बढ़ाएगा, और एक बाउल बहुत इनफ है आपके लिए। बेड टाइम ड्रिंक आप सिनेमन ले सकते हैं, अश्वगंधा बहुत ही जरूरी है जिन्हें पीसीओएस पीसीओडी है, आप फेनल स्वीट पानी में उबाल के ले सकते हैं, कार्डमम। अगर आपको मिल्क से प्रॉब्लम है पीसीओएस पीसीओ में पीसीओडी में, काफी लोगों को मिल्क अवॉइड करने को कहा जाता है, वेगन मिल्क ले सकते हैं आप, ओट्स का मिल्क ले सकते हैं, आलमंड मिल्क ले सकते हैं आप, इसके अलावा कोकोनट मिल्क ले सकते हैं, तो वेगन मिल्क का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन आप दही और पनीर उसका बना हुआ नॉर्मल दूध का ले सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा वेगन मिल्क आप ले सकते हैं। स्पाइसेस में सिनेमन, फ्लैक्सीड, मोरिंगा, एप्पल साइडर विनेगर, मेथी, आप स्प्राउट की हुई मेथी भी ले सकते हैं, चिया सीड्स, सफेद मूसली बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद है पीसीओएस पीसीओएस वालों पीसीओडी वालों के लिए, अश्वगंधा। इसके अलावा होममेड पनीर, होममेड कर्ड, एक्चुअली जब आप किसी भी दूध से कर्ड या फिर पनीर बनाते हैं तो इसके अंदर एंजाइम्स आ जाते हैं, ना सिर्फ उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है बल्कि आपके लिए वो हेल्दी होते हैं, स्पेशली जो एग होता है उसकी रप्चर करने के लिए वो एंजाइम्स बहुत काम आते हैं। प्लास्टिक का यूज बंद करें, टिफिन जो है वो स्टील का यूज करें, फ्रिज में भी अगर आप कोई चीज रखते हैं हालांकि अवॉइड करें, फ्रेश खाएं। पेस्टिसाइड्स, जितने भी आप कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं ट्राई करें हर्बल यूज करें, कॉस्मेटिक्स के अंदर या फिर जो होम क्लीनर्स होते हैं उनके अंदर जेनो एस्ट्रोजन्स होते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो आपके एस्ट्रोजन के साथ मिक्स होके आपकी इस प्रॉब्लम को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो कंट्रोल करना चाहते हैं तो पेस्टिसाइड्स और प्लास्टिक को मना करें, उससे दूर रहें, स्ट्रेस को जितना हो सके नीचे रखें, रिड्यूस करें, खुश रहने की कोशिश करें, अपने रिलेशनशिप्स को बेटर करें, बैलेंस्ड लाइफ रखें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने की कोशिश करें। ये सारे करने के बाद अगर आप इसे करते हैं तो पीसीओएस पीसीओडी ना सिर्फ आपसे कंट्रोल होगा बल्कि खत्म भी हो जाएगा। तो ये जो भी हमने बताने की कोशिश की है ये समझ में तो खैर आया होगा और आपको अच्छा भी लगेगा। आप इस डाइट प्लान को अपना के देखिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा, और इसको अपने लाइफस्टाइल में अगर आप शामिल कर लेते हैं तो ना आप इस बीमारी ना तो केवल आप इस बीमारी से बच सकते हैं, लेकिन अगर हो भी गई है तो उसको रिवर्स कर सकते हैं और बहुत जल्दी हेल्दी हो सकते हैं। आई होप ये आपको फायदा करेगी, आप इसे अपनाएंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे।